नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव फाइनेंस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि यह कोरोना संकट का दौर है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है। दुनिया में कोरोना संकट के दस्तक देने से पहले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक था, पर COVID-19 ने इस अर्थव्यवस्था पर लगाम लगा दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है, जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जो GDP का 10% भाग है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में यानी 2024 तक भारत का GDP $5 ट्रिलियन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में भारत का GDP $2.8 ट्रिलियन है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह GDP क्या होता है और यह इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए GDP के इन सब टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री साल 1654 और 1676 के बीच चले डच और अंग्रेजों के बीच अनफेयर टैक्सेशन को लेकर हुई लड़ाई के दौरान सबसे पहले जमींदारों की आलोचना करते हुए विलियम पेटी ने GDP जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को पेश की। हालांकि GDP की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले 1934 में US कांग्रेस रिपोर्ट के लिए सिमोन्स कुजनेट ने कहा कि इसे कल्याणकारी कामों के मापने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि 1944 के बीटेनवुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए GDP का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले GDP में देश में रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले सभी नागरिकों की आय को जोड़ा जाता था, जिसे अब GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगर अब बात करें कि GDP क्या होता है, तो किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को GDP कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। GDP किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। GDP में केवल घरेलू यानी डोमेस्टिक सामान को ही गिना जाता है, मतलब जो चीजें हमारे देश में बनी है सिर्फ उसी के वैल्यू को GDP में जोड़ा जाता है। GDP को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक बेकरी है जो 10 रुपए की एक ब्रेड बेचती है और वह एक साल में 20 ब्रेड बनाता है। वही एक दूसरी ओर एक कानूनी फर्म है जो एक घंटा काम करने का 50 रुपया लेती है और वह साल में 100 घंटे काम करता है। वही एक कारपेंटर है जो 25 रुपए में एक चेयर बेचता है और वह साल में 10 चेयर बनाता है। और वही एक स्कूल है जिसमें 2 टीचर हैं जिन्हें एक साल में 10,000 रुपए मिलते हैं। अब अगर हम यह मानते हैं कि यह एक साल में हमारे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और काम हुए हैं, तो देश का कुल GDP को निकालने के लिए सभी गुड्स और सर्विसेज की कीमतों को गुणा करके जोड़ देंगे, जैसे 10×20+50×100+25×10+2×10,000। इन सभी को जोड़ने के बाद 25,450 रुपये आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की GDP 25,450 है। हालांकि GDP निकालने का फॉर्मूला होता है GDP=C+I+G+X-M, जहां C का मतलब पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, I का मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, X का मतलब एक्सपोर्ट और M का मतलब इम्पोर्ट होता है। GDP में डबल काउंटिंग से बचने के लिए केवल प्रोडक्ट्स के फाइनल वैल्यू को लिया जाता है, उसके पार्ट्स को नहीं जिससे प्रोडक्ट्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फुटवेयर मैनुफैक्चर जूते बनाने के लिए शूलेस और अदर मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है, पर केवल शू के मूल्यों को काउंट किया जाता है, उसके शूलेस का नहीं। GDP को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और सभी मेथड्स के द्वारा सेम रिजल्ट आते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन अप्रोच, सेकेंड एक्सपेंडिचर अप्रोच, थर्ड इनकम अप्रोच। टाइप्स ऑफ GDP। GDP को कई अलग अलग तरीकों से मापा जा सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन मेथड शामिल है वह है फर्स्ट नॉमिनल GDP, सेकेंड रियल GDP, थर्ड एक्चुअल GDP और फोर्थ
पोटेंशियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना करंट मार्केट प्राइस पर की जाती है तो जीडीपी की जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू जुड़ी होती है। रियल जीडीपी, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना स्थिर प्राइस पर की जाती है तो जो जीडीपी का वैल्यू प्राप्त होता है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीमत एक निश्चित आधार वर्ष या पिछले वर्ष पर आधारित होती है। यह एक आर्थिक विकास का अधिक सटीक खाता प्रदान करता है क्योंकि यह पहले से ही एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजरमेंट है, जिसका अर्थ है कि इन्फ्लेशन के प्रभाव को बाहर निकाल दिया जाता है। एक्चुअल जीडीपी या किसी भी अंतराल या किसी भी समय सभी आउटपुट्स का रियल टाइम मेजरमेंट है। यह अर्थव्यवस्था के व्यापार की मौजूद स्थिति को प्रदर्शित करता है। पोटेंशियल जीडीपी, यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में 100% फुल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा नहीं होता है, अर्थव्यवस्था में सब कुछ सर्टेन होता है, जैसे स्थिर करेंसी, स्टेबल प्रोडक्ट प्राइसेस। पर कैपिटा जीडीपी, जब किसी देश की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट्स यानी जीडीपी को टोटल नंबर ऑफ पीपल्स यानी देश की टोटल पॉपुलेशन से भाग दिया जाता है तो पर कैपिटा जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी निकलती है। इसका उपयोग विभिन्न देशों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसका एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अप्रैल 2019 में जारी रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी वाला देश लक्समबर्ग है, जिसका प्रति व्यक्ति जीडीपी 113,196 US डॉलर है, जबकि अमेरिका का जीडीपी 65,111 US डॉलर है। वहीं बात करें इंडिया की तो प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,171 US डॉलर है। दोस्तों, आगे हम आपको जीडीपी से जुड़े जानकारियां दे रहे हैं। फर्स्ट, जीडीपी की गणना हर साल होती है, लेकिन भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने में की जाती है। सेकेंड, भारत में जीडीपी के आंकड़े सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जारी करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। थर्ड, जीडीपी के गणना में मुख्य तौर पर 8 औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकेंड माइनिंग, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ कंस्ट्रक्शन, सिक्स ट्रेड, सेवन डिफेंस और 8 अदर सर्विसेस। फोर्थ, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आकार 11 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। वहीं पहले स्थान पर चाइना 27 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, दूसरे स्थान पर अमेरिका 20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। फिफ्थ, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2.8 ट्रिलियन है, पहले स्थान पर अमेरिका जो कि 21 ट्रिलियन डॉलर है। भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की है, लगभग 32.24 लाख 7। भारत में जीडीपी की गणना के लिए करंट बेस ईयर 11-12 है। जीडीपी का आम लोगों पर असर, जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होती है तो यह देश के लिए एक खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका भी बढ़ जाती है। वहीं लोगों की बचत और निवेश भी कम हो जाती है। अभी पूरे देश में कोरोना के प्रभाव से कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। प्रोडक्शन बंद होने के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं। देश की आर्थिक विकास दर भी गिरती जा रही है। भारत की जीडीपी विकास दर 5% से भी नीचे आ गया है। दोस्तों, अगर बात करें कि किसी देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है, तो जब उस देश के निवासी उसी देश की बनी वस्तु चीज़ों को खरीदते हैं तो देश का जीडीपी बढ़ता है। जैसे मान लो आप भारत में रहते हो और भारत में बनी वस्तुओं को खरीदते हो तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन आप भारत में रहकर चीन की वस्तुओं को खरीदेंगे तो इससे चीन की जीडीपी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो कृपया आप भारत की बनी चीज़ों को ही खरीदें। जीडीपी इज यूज इन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जीडीपी के आधार पर भी लेते हैं, क्योंकि अगर जीडीपी में कोई सिग्निफिकेंस चेंज आता है
चाहे अप हो या डाउन, वह स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है। अगर जीडीपी अप होता है तो यह इंडिकेटर है कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है और उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे अपने निवेश को भी बढ़ाता है। यह एक सिग्नल है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, जिसके कारण स्टॉक की प्राइसेस बढ़ने लगती है, जिससे बुल मार्केट आ जाता है। इसके विपरीत यदि जीडीपी डाउन होती है तो इसका कारण अर्थव्यवस्था में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, कंज्यूमर्स की संख्या भी कम होती जाती है, जिससे कंपनीज का कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और वह निवेश में कमी कर देता है। लोअर जीडीपी के कारण स्टॉक की प्राइसेस कम हो जाती है, जिससे बियर मार्केट उत्पन्न हो जाता है। जीडीपी का उपयोग यह अनुमान लगाने के साधन के रूप में नहीं किया जाता कि मार्केट कैसे चलेगी, बल्कि यह एक ओवरव्यू ऑफ ट्रेंड्स के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी देश की जीडीपी उस देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक जहां भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।